जयपुर में आज नगर निगम मुख्यालय के आरआर केंद्र पर महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियार समेत नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने घरों का ऐसा सामान जो अभी उपयोग में नहीं आ रहा है पर किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है उसे जमा करवाया गया है। इस अवसर पर महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा, हमारा यह प्रयास है कि समाज के हर व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार सामान मिल सके। यह एक छोटा सा कदम है लेकिन यह बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हम सभी जयपुर वासियों से आग्रह करते हैं कि वे इस अभियान में भाग लें और अपने घरों का अनुपयोगी सामान RRR केंद्र पर जमा करवाएं। इससे जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सकेगी। आयुक्त रुक्मणी रियार ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा, यह अभियान हमारे समाज को एक नई दिशा देगा। हम सभी को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमसे न केवल अनुपयोगी सामान का पुनः उपयोग हो सकेगा बल्कि यह पर्यावरण के लिए संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में इस अभियान में हिस्सा लिया और अपने घरों से अनुपयोगी सामान जमा करवाया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भी इस पहल का हिस्सा बने और अपने घरों का सामान जो किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है उसे RRR केंद्र पर जमा करवाएं। नगर निगम ने जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया है जिसमें सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार पत्र और अन्य संचार साधन शामिल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आप स्वयं भी इन RRR केंद्रों पर अनुपयोगी सामान जो किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है जमा करवा सकते हैं। इससे न केवल जरूरतमंदों की मदद होगी बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। नगर निगम की इस पहल से जयपुर वासियों में एक नई जागरूकता और सहयोग की भावना उत्पन्न हुई है। महापौर और आयुक्त की इस अपील को जनता से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह अभियान आने वाले दिनों में और भी व्यापक रूप से सफल होगा। बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि सामाजिक एक अनुकूलता, एक सर्किल जो चलता रहे लगातार, जैसे जिसके पास में अनुपयोगी है, ज्यादा सामान है, वो उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, उसकी नगर निगम की एक बहुत ही अच्छी पहल है। और हमारी कमिश्नर इसको देख रही है लगातार। हमारे नगर निगम के जितने जोन ऑफिस हैं उन सब में RRR सेंटर बन चुके हैं, या मुख्यालय के अंदर भी RRR सेंटर है, यानी 8 RRR सेंटर बने हुए हैं। इस पर मैं जयपुर वासियों से भी निवेदन करती हूँ कि आपके पास में जो भी आपके घर पर अनुपयोगी सामान है उसको आप यहाँ जमा कराएं। आपके द्वारा दिया हुआ अनुपयोगी सामान किसी के जीवन में एक रोशनी लेकर आ सकती है। चाहे आप खिलौने हो या घर के कपड़े हो या इलेक्ट्रॉनिक आपका वेस्ट हो, किताबें आपके द्वारा अगर जो पढ़कर काम में ली हुई किताबें हैं वो कोई और पढ़कर उससे एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है, उसके जीवन में नया उजियाला आ सकता है। तो एक अच्छी पहल है और होना चाहिए। सामाजिक सरोकार की भाव से जब नगर निगम काम करेगा तो इसे जन सहयोग भी एक मिलेगा और निश्चित रूप से हमारा जयपुर है वो स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। क्योंकि आमतौर से कई बार देखा जाता है उपयोग में लेने वाली यानी अच्छी स्थिति की चीज़ें भी कई बार सड़कों के ऊपर या कचरे के ऊपर में गाड़ी के अंदर भी बिखरी हुई मैं देखती हूँ, तब मन दुखता है कि वो किसी और जरूरतमंद के द्वारा उपयोग में ली जा सकती थी और वो ऐसे ही फेंक कर उसको नष्ट कर दिया गया, जिससे हमारे शहर की स्वच्छता है वो भी प्रभावित होती है। तो स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें ये एक अनुकरणीय, एक अच्छा प्रयास है। हमारे नगर निगम के सभी अधिकारीगणों का बहुत अच्छा सहयोग है, हमारे जनप्रतिनिधिगण, पार्षद चेयरमैनगण हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग है और लगातार जयपुर वासी भी। कल मैं प्राकृतिक चिकित्सालय गई, वहाँ मुझे डॉक्टर साहब मिली, मैंने इनको बताया कि ऐसा हमने एक मुहिम शुरू की है और मुझे इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा रैंक में आज इन्होंने ही अपने घर के सारे कपड़े लाकर यहाँ रख दिए हैं। धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर साहब आपको। कोई भी यहाँ रीयूज़ और रीसाइकिल जो हमारा आइडिया है उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसके तहत RRR सेंटर्स हमने हर जोन में बनाए हैं। मंशा यही है कि जो चीज़ें अनुपयोगी हैं घर पे, जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं पर किसी और के लिए उपयोगी हैं, उनको आप इन सेंटर्स पे लेके आएं ताकि वो ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। इससे जो कचरा हमारा फैलता है वो भी कम होगा,
और ज़रूरतमंद लोगों को जो चीज़ें हैं वो पहुंच भी जाएगी। जैसे आज आप अपने सामने ही देख रहे हैं कि काफ़ी खिलौने यहाँ आए हैं जो हम उम्मीद करेंगे कि लोग अपने बच्चों के लिए लेके जाएं, जो नहीं लेके जाएंगे हमारे जोन्स में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे पहुँचाएंगे। काफ़ी कपड़े, जूते, बुक्स यहाँ पर आई हैं और ये सेंटर्स इसी मंशा से चलाए गए हैं कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का जो हमारी थीम है स्वच्छता सर्वेक्षण की, उसको हम बढ़ोतरी कर सकें।